इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे बहुत सारे लम्हे होते हैं जो इतिहास को बदल के रख देते हैं वी ऑफिशियली इन द द इंग्लिश लैंग्वेज कॉल इट एज टर्निंग पॉइंट और ऐसे इंटरनेशनल जियो में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट रहे हैं सच एज द दिटी ऑफ वेस्ट फेलिया जहां पर सॉवरन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करना बर्लिन वॉल का कोलैप्स होना विच लेट टू फाइनली द एंड ऑफ कोल्ड वॉर 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस विच लेट टू द राइज ऑफ ईस्ट द ब्रिक्स इकोनमी ओवर द वेस्ट वैसे ही मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा है वो है 1979 ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशन इस 1979 इस्लामिक रिवोल्यूशन इन ईरान इसकी वजह से मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो गया जो मिडिल ईस्ट जो रिलेटिवली काफी स्टेबल था 1979 के बाद प्रॉक्सी वॉर्स का दौर स्टार्ट हो गया मिडिल ईस्ट में तो आखिर ऐसा क्या हुआ था 1979 के इस्लामिक रिवोल्यूशन इन ईरान में जिसकी वजह से द एंटायर जियो पॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट चेंज आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान इसराइल एक समय बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इनफैक्ट ईरान और अमेरिका ये दोनों मिलके सोवियत को कंट्रोल करते थे सोवियत के एक्सपेंशनिज्म को रोकते थे और आज वही ईरान इजराइल एक नेक टू नेक बैटल में है आज वही ईरान और अमेरिका दोनों गेम ऑफ चिकन्स में इन्वॉल्व है सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट एग्जैक्टली वाज ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन एंड हाउ डिड इट चेंज द एंटायर जियो ऑफ मिडिल ईस्ट सो लेडीज एंड जेंटलमैन आई वेलकम यू ऑन दिस सेशन But before going ahead, I want to give you an important information that Unacademy is has started its new offline center at Patna, where our batches are going to start on 27th of September for UPSC as well as BPSC. At New Delhi Karol Bagh branch, we are offering UPSC English batch in offline medium, and in Mukharji Nagar branch, we are offering. UPSC batches in Hindi medium. The dates of the batches you can see in this particular uh, diagram. Prayag Raj में भी हमारे batches Hindi और English दोनों mediums में offline में इन dates को start होने जा रहे हैं. साथ ही साथ आपको पता है कि academy आईएएस does not only offer GS course, but it also offers CSAT, essay writing, comprehensive current affairs, full-length, and optional courses. One-to-one -one interaction kar sakte information. Ke li, what you need to do is you, you have to visit our offline branch. Or you can also download our Unacademy IS app where you will be going to get all these information. Now, लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइनटीन सेवेंटी नाइन ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन बट टू अंडरस्टैंड दैट उसको समझने के पहले हमें थोड़ा सा बेसिक एब्राहिमिक रिलीजन के बारे में समझना पड़ेगा बिकॉज इस्लाम इज वन ऑफ द एब्राहिमिक रिलिजन और इस्लाम को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा तभी हम ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन को समझ सकते हैं और जो मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर चल रहे हैं उनको हम समझ सकते हैं इब्राहिमिक रिलिजन का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दे कंसिडर एब्राहम एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉफिट ये तीनों धर्म जो एब्राहिमिक रिलीजन है इस्लाम क्रिश्चियनिटी और जुडाइजम ज्यूज पीपल ये तीनों धर्म मोनोथिस्टिक रिलीजन है मतलब ये एक गॉड दे बिलीव इन वन गॉड अनलाइक हिंदुइज्म जो कि एक पॉलीथिस्टिक रिलीजन है हम बहुत सारे भगवान में बिलीव करते हैं बट दीज आर मोनोथिस्टिक रिलीजन हु बिलीव इन वन गॉड बट गॉड तो एक है बट गॉड के जो मैसेंजर्स हैं जिनको हम प्रॉफिट कहते हैं वो बहुत सारे हैं सो वन गॉड बट मेनी मैसेजेस और द प्रॉफिट इन तीनों धर्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट एब्राहम और इसीलिए ये तीनों धर्म को हम लोग एब्राहमिक रिलीजन कहते हैं अगर आप इस पर्टिकुलर टेबल की बात करें तो ये देख सकते हैं जुडाइज्म क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जुडाइज्म दुनिया में पॉइंट जीरो टू परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है क्रिश्चियनिटी थर्टी वन परसेंट एंड इस्लाम ट्वेंटी फाइव परसेंट ये तीनों धर्म में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है लेकिन इनमें एक डिफरेंस है कि प्रॉफिट इब्राहिम के बाद जो बाकी प्रॉफिट्स थे उनके ऊपर ये लोग बट जाते हैं तो प्रॉफिट अब्राहम जो है वो कॉमन है इन तीनों धर्म में बट उसके बाद के जो प्रॉफिट हैं उनमें ये बट जाते हैं और इसलिए ये तीन अलग अलग धर्म बन के आ गए इनमें अगर हम बात करें जुडाइजम में जो प्रॉफिट इब्राहिम के बाद बहुत बड़े प्रॉफिट है, वो है प्रॉफिट मूसा और मोसेस क्रिश्चियनिटी में जीसस और ईसा और इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद तो ये इन तीनों धर्म में प्रॉफिट इब्राहिम के बाद बंटवारा हो जाता है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या है आज शिया और सुनी जो इस्लाम के दो कम्युनिटीज हैं इनके बारे में समझना बिकॉज मिडिल ईस्ट को समझने के लिए हमें शिया और सोनी के बीच में समझना डिफरेंस क्या है वो समझना बहुत जरूरी है अब पहली बात आता है कि इस्लामिक कॉम्युनिटी दो और इस्लामिक रिलीजन दो कॉम्युनिटीज शिया सुनी में कैसे बट गया बिकॉज आप देखोगे तो शिया जो है वो मैक्सिमम ईरान में पाए जाते हैं और सुनी पूरे दुनिया भर में हर जगह पाए जाते हैं तो ये इस्लाम धर्म कैसे दो कॉम्युनिटी में बट गया इसको समझते हैं हम लोग तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे व्हेन ही पास्ट अवे पास अबे विदाउट एपॉइंटिंग अक्सेसर प्रोफेट मोहम्मद ने कोई सक्सेसर को अपॉइंट नहीं किया था इसी की वजह से एक सक्सेशन बैटल स्टार्ट हो गई कि प्रॉफेट मोहम्मद को सक्सीड कौन करेगा इस बैटल में दो कॉम्युनिटी के लोग थे एक कॉम्युनिटी था जो कह रहा था कि प्रोफेट मोहम्मद के जो सक्सेसर है वो वो होने चाहिए जो एक क्वालिफाइड इंडिविजुअल है पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बिकम द सक्सेसर उसको हमें प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर बनाना चाहिए दूसरे तरफ एक ऐसा तबका था जिसका कहना था कि प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर वो होना चाहिए जिसका खून का रिश्ता हो प्रोफेट मोहम्मद के साथ मतलब दैट पर्सन शुड बी हैज अ ब्लड रिलेशनशिप विद प्रॉफिट मोहम्मद इसी की बेसिस पे एक कम्युनिटी बना सुनी जिसका कहना था प्रॉफ़िट मोहम्मद के जो सक्सेसर है वो क्वालिफाइड इंडिविजुअल होने चाहिए और इन्होंने पहला सक्सेसर जो चुना वो था अबू बकर अगर शिया कम्युनिटी की बात करें तो शिया कम्युनिटी ने कहा कि प्रॉफ़िट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं वो वो होने चाहिए जिनका ब्लड रिलेशनशिप हो खून का रिश्ता होना चाहिए और इसीलिए इन्होंने अली को चुना अली कौन थे अली बेसिकली प्रॉफिट के फर्स्ट कजन थे प्रॉफेट मोहम्मद के फर्स्ट कजन थे और प्रॉफेट मोहम्मद की जो बेटी थी फातिमा उनसे इन्होंने शादी भी किया था सो शिया कम्युनिटी अली को अपना पहला सक्सेसर माने प्रॉफेट मोहम्मद के एक और चीज आपको शिया के बारे में जानना चाहिए कि जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं ये कहते हैं कि दुनिया में इस धरती पे इस पृथ्वी पे हमेशा भगवान गॉड कोई ना कोई गाइड भेजता है सो शिया कम्युनिटी ऑलवेज बिलीव की जो गॉड है वो हमेशा से इस धरती पर कोई ना कोई गाइड भेजते हैं पहले इन्होंने प्रॉफिट्स के फॉर्म में भेजा और आज हम लोग इनको आयतोल्लास के फॉर्म में जानते हैं तो जितने भी शिया कम्युनिटी के कंट्रीज हैं वो कहते हैं कि जो गॉड हैं वो हमेशा से इस धरती पर गाइड भेजते आए हैं पहले प्रॉफिट्स को भेजा करते थे अब आयतुल्लास को भेजते हैं इसलिए आपने सुना होगा नाम शिया कम्युनिटी के कंट्री जैसे ईरान में आयतुल्ला अली खमीनी आयतुल्ला रोहोला खमीनी सो ये सुनी कंट्री में नहीं पाया जाता है ये शिया कंट्री में ही जनरली पाया जाता है दुनिया भर की बात करें तो 85 परसेंट सोनी कम्युनिटी है मैक्सिमम सोनी लोग हैं और अगर इस पॉपुलेशन डेमोग्राफी की बात करें तो मैक्सिमम जो सूनी लोग हैं वो आप देख सकते दुनिया भर में पाए जाते हैं सऊदी अरेबिया में पाए जाते हैं इजिप्ट में पाए जाते हैं सीरिया में पाए जाते हैं यूएई में पाए जाते हैं टर्की में पाए जाते हैं इंडिया में भी सूनी लोग पाए जाते हैं पाकिस्तान भी सोनी कंट्री है तो सोनी की स्प्रेड तो दुनिया में लगभग हर जगह है अगर शिया की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन काफी लोकलाइज्ड है आप देख सकते हैं इधर ईरान में शिया पॉपुलेशन है इराक में है यमन में है लेबनन में है और इंडिया में शिया पाया जाता है कारगिल वाले इलाका में तो शिया की पॉपुलेशन उतना ज्यादा स्प्रेडेड नहीं है लेकिन एक बात आपको समझना है कि जो सुनी कंट्री है इसका जो सबसे बड़ा लीडर है सुनी मुस्लिम्स का वो पहले टर्की था और आज सऊदी अरेबिया अपने आप को सुनी मुस्लिम्स का लीडर मानता है प्राइमरली बिकॉज इसके पास मक्का और मदीना जैसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं और शिया का जो सो कॉल लीडर है वो है ईरान तो ये आपको क्लियर है कि, कि किस तरीके से ये शिया और सुनी के बीच में मिडिल ईस्ट कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है शिया और सुनी की ये स्टार्ट कब हुई तो ये बेसिकली स्टार्ट प्रॉफ़िट मोहम्मद के जाने के बाद ही हो चुकी थी शिया सुनी के बीच में बैटल जब प्रॉफ़िट मोहम्मद चल बसे थे उसके कई सदियों तक कितने सेंचुरी तक किसकी हुकूमत थी सोनी की और उनका जो सबसे लास्ट एम्पायर था वो था ऑटोमन एम्पायर प्रॉफिट मोहम्मद के बाद हमेशा से सुनी इस्लामिक कम्युनिटी के लीडर रहे हैं और आज अगर आपको याद होगा तो सबसे बड़ा जो एम्पायर था सुनी का वो था ऑटोमन एम्पायर जिसका कैपिटल टर्की में था लेकिन इस ऑटोमन एम्पायर जो सुनी एंपायर था इसको पहली बार किसी शिया एम्पायर ने चैलेंज किया और वो था सफाविद डायनेस्टी सो so, पहली बार शिया कम्युनिटी के तरफ से कोई उनके लिए लड़ा उस सक्सेशन की लड़ाई को आगे बढ़ाया वो एम्पायर था सफाविद एम्पायर जिसका कैपिटल था आज जिसको हम ईरान कहते हैं पर्शिया तो टर्की एक समय सोनी कम्युनिटी का हमेशा से लीडर रहा है और सफाविद एम्पायर जो शिया लेड एम्पायर था उसका कैपिटल पर्शिया में था ईरान में था तो वहां पे ईरान का एक तरीके से लीडरशिप था ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया सफाविद एम्पायर कोलैप्स कर गया और इन्हीं एम्पायर से ईरान बना सऊदी बना टर्की बना इजिप्ट बना तो यहीं से वो सारे कंट्रीज हमारे निकल के आए अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये देख सकते हैं ऑटोमन एम्पायर ये देख सकते हैं सफाविद एम्पायर और ये इंडिया में मुगल एम्पायर इन्हीं दोनों के बीच में कॉन्स्टेंट सक्सेशन बैटल चला ये आपको प्राइमरली शिया और ये प्राइमरली सोनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर हार गया ये कोलैप्स कर गया यहीं से इजिप्ट निकल के आया टर्की निकल के आया सीरिया निकल के आया इराक का कुछ हिस्सा निकल के आया और सफावीद एम्पायर कोलैप्स किया तो यहां से ईरान बन के तो ये आपको समझना जरूरी है कि ये पूरा मिडिल ईस्ट में इस तरीके से शिया और सोनी कम्युनिटी के बीच में बंटवारा है अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट बिफोर 1979। 1979 के पहले मिडिल ईस्ट क्या था क्योंकि 1979 में क्या हुआ था ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशन इसलिए 1979 एक टर्निंग पॉइंट था अगर 1979 के पहले की बात करें जब ईरान में लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद रजा शाह पहलवी 1979 के पहले ईरान एक मोनार्की थी और उसके लीडर थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी जो काफी ज्यादा वेस्ट के क्लोज थे और क्योंकि लीडर ही वेस्ट के करीब था इसलिए ईरान और अमेरिका ये कोल्ड वॉर अलायंस पार्टनर थे इनफैक्ट अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम भी दिया ईरान उस समय बगदाद पैक्ट का मेंबर था जो सोवियत के एक्सपेंशनिज्म को मिडिल ईस्ट में रोकता था ये देख सकते हैं बगदाद पैक्ट इराक टर्की ईरान पाकिस्तान और यूके तो ईरान यूएस के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी और इनफैक्ट आपको यह भी पता होगा कि ईरान में 1950 के लगभग पहली बार एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन इलेक्शन हुआ उस में मोहम्मद वो ईरान में जीत के आए थे और मोहम्मद मोसदेक जब डेमोक्रेसी के थ्रू ईरान में जीत के आए तो इन्होंने सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप किया कि जो उनके देश का ऑयल इंडस्ट्री था इसको नेशनलाइज किया मतलब स्टेट कंट्रोल में लाया बिकॉज वहां के ऑयल को लूटा जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इसलिए कि तेल चाहिए था इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ने एक मिलिट्री कू किया मोहम्मद मोसदेक को पावर से हटा दिया और शाह मोहम्मद रजा पहलवी को वापस से पावर में इंस्टॉल कर दिया जो कि सो कॉल्ड वेस्टर्न पपेट थे वो उन्हीं की बात किया करते थे और जब पहलवी वापस से पावर में आए मोहम्मद मोसदेक को हटा दिया गया उसके बाद ब्रिटिश के साथ काफी अच्छा रिलेशन बना और मोहम्मद रजा शाह पहलवी एक तरीके से अपने इकॉनमी को वेस्ट के साथ काफी क्लोजली इंटीग्रेट किया तो जब तक मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे तब तक ईरान का प्रॉब्लम वेस्ट के साथ दूर दूर तक नहीं था इनफैक्ट ईरान का रिलेशन सऊदी के साथ अच्छा था और क्योंकि इसराइल कि दोस्ती अमेरिका से हमेशा से रही है तो इसराइल ईरान की भी दोस्ती बहुत अच्छी थी यह देख सकते हैं पहला पॉइंट ईरान वाज़ अ सेकेंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री टू रिकॉग्नाइज इजराइल आफ्टर इट वाज़ फाउंड इन 1948 जब इसराइल की गठन स्थापना हुई थी 1948 में तो ईरान सेकेंड मुस्लिम बहुमूल्य कंट्री था जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज किया आज जो ईरान जो इसराइल को वहां से मिटा देना चाहता है जो जूस के इस सेटलमेंट से काफी ज्यादा एग्रेशन एग्रेसिव रहता है वो ईरान इसराइल को एक समय काफी अच्छे तरीके से मित्रता उसकी थी रिलेशनशिप थी तो 1979 के पहले मिडिल ईस्ट कंप्लीटली अलग थी 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन आया तो उसमें हुआ क्या कि मोहम्मद रजा शाह पहलवी को पावर से हटा दिया गया और ईरान उस समय एक सेक्युलर कंट्री था इसको बदलकर ईरान को एक शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक में कन्वर्ट कर दिया गया शिया तो आपको पता चल ही गया थियोक्रेटिक मतलब स्टेट का फाउंडेशन रिलीजन के बेसिस पे है तो ईरान को कंप्लीटली उसकी जो पॉलिटी है वो एक सेक्युलर लिबरल पॉलिटी से चेंज के शिया थियोक्रेटिक रिपब्लिक में कर दिया गया और मोहम्मद राजा शाह पहलवी को हटा दिया गया और इस पूरे मूवमेंट को लीड किसने किया शिया क्लरिक आयतुल्ला रूहोला खमीनी जो पहले आयतुल्ला थे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशन के बाद और ये ईरान के आयतुल्ला 1989 तक रहे और यहाँ से स्टार्ट हुआ ईरान का रिलेशन वेस्ट के साथ इसराइल के साथ सऊदी के साथ खराब होना और यहीं से मिडिल ईस्ट में अनस्टेबिलिटी जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सी वॉर्स पावर स्ट्रगल ये सब चीजें यहां से स्टार्ट हुई तो ईरान के पॉलिटिक बहुत बड़ा चेंज था ये आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था उस समय आयतुल्ला रूहला खमीनी ईरान में नहीं थे उनको भाग के कहीं और जाना पड़ा था फिर फाइनली ये लीडर जैसे मोहम्मद यूनुस आप देख सकते कि आप अमेरिका से आए जब ये प्रोटेस्ट हुआ शेख हसीना को भागना पड़ा वैसे ही उस समय मोहम्मद रजा शहर पहलवी को भागना पड़ा आयतुल्ल रोहला खमीनी उस समय बाहर थे फिर वो लैंड करते और उनका एक बड़ा स्वागत किया जाता है और लोग उनको अपना लीडर मान लेता है ये देख सकते हैं आप मोहम्मद रजा शाह पहलवी ये ईरान के पहले आयतुल्ला रूहला खमीनी और ये अभी करंट आयतुल्ला अली खमीनी तो अभी तक ईरान में दो ही आयतुल्ला रहे ये 1979 से 89 तक और ये 1989 से अभी तक 2024 में कोई टर्म लिमिट नहीं होता है जब तक ये जीवित हैं तब तक ये पावर में रह सकते हैं और ईरान जब ये आया जब आयतुल्लाज आए तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने क्योंकि इनको पता था कि इनको वेस्ट कभी भी अब मिलिट्री नहीं देगा बिकॉज ईरान को पहले कौन वेपन्स प्रोवाइड कर रहा था वेस्ट अब तो वेस्ट प्रोवाइड करेगा नहीं रशिया बहुत कमजोर था आपको पता है कि रशिया रिसेंट टाइम्स में एग्रेशन को बढ़ाया है बट रशिया बहुत हद तक सोवियत यूनियन के कोलाब्स होने के बाद रशिया अपने इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहा था तो ईरान को समझ था ईरान को पता चल चुका था कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज से हमें उनके इन्फ्लुएंस को रोकना है अगर इसराइल और ऐसे कंट्रीज को कंट्रोल करना है तो ईरान को प्रॉक्सी ग्रुप्स बनाना पड़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट में और इसलिए ईरान ने सबसे पहला काम किया इस तरीके के प्रॉक्सी ग्रुप्स हर जगह बनाना स्टार्ट किया यमन में हुदी को बनाया पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद लेबनन में हज़बुल्लाह इराक में कबाइट हजबुल्ला तो इस तरीके से ईरान ने सारे प्रॉक्सी ग्रुप्स को बनाए क्योंकि ईरान डायरेक्ट वॉर में इसराइल के साथ कभी जीत नहीं सकता है ईरान सऊदी के साथ डायरेक्ट वॉर में कभी नहीं जीत सकता है बिकॉज सऊदी और इसराइल को अमेरिका का काफी ज्यादा कृपा है इसलिए ईरान को यह पता था कि अगर मुझे ऐसे कंट्री से लड़ना है तो मुझे ये नॉन स्टेट एक्टर्स का एक मकड़ी का जाल फैलाना होगा कि मैं कल को सऊदी को चारों तरफ से अटैक करूं इसराइल को चारों तरफ से अटैक करूं अभी आप देखो इसराइल के साथ हो क्या रहा है इसराइल को नीचे से अटैक कर रहा है हमास ऊपर से अटैक कर रहा है लेबनन हेज़बोल्ला इधर से अटैक कर रहा है हुदी और इराक का इस्लामिक रेसिस्टेंस तो इसराइल को ऑल राउंड अटैक में तो यही मकरी का जाल ईरान ने फंसाया था पूरे मिडिल ईस्ट में इस तरीके से तो 1979 में जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हुआ वो सऊदी अरेबिया को बिकॉज तो सऊदी अरेबिया एक पड़ोसी मुल्क है सऊदी अरेबिया एक सोनी मुल्क है तो सबसे पहला प्रॉब्लम था सऊदी अरेबिया को क्योंकि सऊदी अरेबिया को लगा कि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइनर आ चुके हैं आयतुल्लास का यह कहना है कि इस्लामिक कम्युनिटी को बढ़ाना है शिया इस्लाम को प्रोपोगेट करना है इस्लामिक लीडरशिप को स्टैब्ब्लिश करना है जिसमें शिया इस्लाम हेड पे रहेगा तो सऊदी अरेबिया ने अपना काउंटर स्टार्ट किया ईरान को रोकने के लिए तो जिस तरफ ईरान जो है वो शिया इस्लाम को प्रोपोगेट कर रहा था सऊदी ने सोनी इस्लाम में एक बहुत बड़ा फैक्शन है जिसको वहाबिजम कहते हैं तो सोनी में भी बहुत सारे फैक्शन हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्शन जिसको वहाबिज्म कहते हैं तो शिया इस्लाम के स्प्रेड को रोकने के लिए सोनी इस्लाम अपने आप को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया और सोनी इस्लाम का कौन सा फैक्शन प्राइमरली बहािज्म तो यहां से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में ये बैटल स्टार्ट हो गया एक तरफ ईरान शिया इस्लाम को बनाना चाहता था वो इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनना चाहता था दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया शूनी इस्लाम को प्रमोट करने लगा क्योंकि सऊदी अरेबिया को खुद इस्लामिक कम्युनिटी का लीडर बनना था और इसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर्स हो गया ये दोनों कंट्रीज आपस में नहीं लड़े बट ये किसी तीसरे कंट्री में जाके वहां के लोकल रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट किए सीरिया में हुआ यमन में हुआ ये देख सकते हैं आप यमन का मैप यमन में ये जो नॉर्थ यमन है यहां पे प्राइमरली शिया लोग रहते हैं जो साउथ यमन है यहां पे सुनी लोग रहते हैं सऊदी अरेबिया एक सुनी है तो देखिए क्या किया ईरान ने ईरान ने शिया को सपोर्ट किया यहां पर रेबल्स बनाया अब ये हुदी रेबल्स चाहता है कि पूरे यमन को कब्जा कर ले तो ये जो सुनी जो साउथ ऑफ यमन में रह रहा है इसको कौन सपोर्ट करेगा सऊदी अरेबिया तो खूब वेपन आर्म्स एम्यूनेशन देना स्टार्ट किया और ईरान हुदी को देने लगा जिसकी वजह से ये दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट किए और इसका रिजल्ट क्या था कि यमन आज दुनिया का ऐसा कंट्री है जो सबसे बुरे त्रासदी से गुजर रहा है द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो इसी प्रॉक्सी वॉर की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट बर्बाद हो चुका है खमीनी ने सऊदी अरेबिया के साथ तो स्टार्ट किया ही लेकिन आयतुल्ला खमीनी ने इसराइल को भी नहीं छोड़ा इसराइल को उन्होंने कहा कि आप लिटिल सेटन हो अमेरिका को ग्रेट सेटन का सेटन एक काफी नेगेटिव वर्ड है और इसराइल के लिए हजबुल्लाह को बनाया इसराइल के लिए हमास और फेलस्तानियन जिहाद को सपोर्ट किया तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और इसराइल के अगेंस्ट ईरान ने अपने इस प्रॉक्सी बैटल को स्टार्ट किया सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ईरान क्यों ये करना चाह रहा है ईरान क्या क्या रहा है इसराइल से दुश्मनी कर रहा है अमेरिका से दुश्मनी किया हुआ है ईरान चाहता क्या है ईरान का बेसिकली सपना था 1979 में जब इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था तो ईरान का एक सिंगल सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था इस्लामिक सिविलाइजेशन को सुपीरियर बनाना अगेंस्ट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और ये जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है इसके ग्लोरी को रिस्टोर करना और इसके टॉप पे किसको ले जाना ईरान के शिया इस्लाम तो इस्लामिक सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से ऊपर ले जाना और इस्लामिक सिविलाइजेशन में जो लीडरशिप है वो शिया इस्लाम का एस्टैब्लिश करना और इसी इस्लामिक सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा अटकलें हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी वेस्ट बात करता है जिसको ये ग्रेट सेटन कहते हैं इसीलिए ईरान जो है वो चाहता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन लेड बाय ईरान This is a classic example of clash of civilization जो ईरान चाह रहा है इसलिए ईरान ऑल्दो साउदी से कम दुश्मनी रखता है इसराइल से ज्यादा दुश्मनी रखता हो लेकिन ईरान कभी नहीं चाहता है कि साउदी इसराइल की दोस्ती हो बिकॉज उससे इस्लामिक सिविलाइजेशन खतरे में आ जाता ईरान जो है वो बहुत स्ट्रांगली इस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के आइडिया में वलूफ करता है इसलिए ईरान की रिसेंट टाइम्स में रशिया से दोस्ती चाइना से दोस्ती बहुत ज्यादा हुई है और रशिया चाइना की भी यही ऑब्जेक्टिव है लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को हटाना तो इस तरीके से 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया ईरान की पॉलिटी बदली प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट हुआ ईरान का सऊदी और इसराइल के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया बिकॉज कोल्ड वॉर के समय आपके पास क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी था लिबरलिज्म वर्सेस कॉम्युनिज्म कोल्ड वॉर के बाद क्या चला क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उसमें सबसे बड़ा था इस्लामिक सिविलाइजेशन वर्सेस द वेस्टर्न सिविलाइजेशन और खासकर जब से नाइन इलेवन हुआ तब से यह चीज और ज्यादा सो so, ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी था जानना अबाउट ईरान का इस्लामिक रिवोल्यूशन आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया कि आज जो हम ये पूरा चीज देख रहे हैं ईरान का इसराइल से दुश्मनी कैसे ईरान जो है वो हैजबुला को सपोर्ट कर रहा है हमास को सपोर्ट कर रहा है इन चीजों को चल रहा है ये सब चीज स्टार्ट हुआ था 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन अगर 1979 के इस्लामिक रिवोल्यूशन नहीं होता तो आज ईरान जो है वो एक वेस्टर्न अलायंस पार्टनर होता तो आने वाले टाइम में इस तरीके के बैटल्स रहेंगे बिकॉज ईरान का हमेशा से ऑब्जेक्टिव है वेस्टर्न सिविलाइजेशन को रिप्लेस करना और ये ऑब्जेक्टिव को आज सपोर्ट कर रहा है चाइना और रशिया बिकॉज उन दोनों का खुद यह ऑब्जेक्टिव है कि लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म करना सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो आप कमेंट करें कि आपका क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और ईरान के नाइनटीन सेवेंटी नाइन इस्लामिक रिवोल्यूशन के ऊपर क्या व्यू है टिल देन गुड बाई टेक केयर and all the best on academy let's crack it